हेलो एवरीवन, मैं मीमांसा सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे, आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब आपके सामने है मेंस का एग्ज़ाम। और हर एक एग्ज़ाम की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, पहले उस एग्ज़ाम को समझ के ही हम उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें मेंस देना है और मेंस के लिए किस तरह रणनीति बनानी है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे पेपर फोर की। पेपर फोर में जो पार्ट वन है, जनरल साइंस वाला पोर्शन, जो 75 मार्क्स का है, तो इस पोर्शन में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और अगर क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से डील करना है। क्योंकि देखिए, आंसर राइटिंग एक अलग चीज़ है। आपने प्रिलिम्स दिया, प्रिलिम्स में आपको सारे नॉलेज थे, फैक्चुअल नॉलेज, आपने प्रिलिम्स क्लियर कर लिया, लेकिन अब आपको लिखना है कहाँ, पेपर पर। तो अब आपका सामना होगा किससे, एग्जामिनर से। एग्जामिनर आपको तो नहीं जानता, लेकिन वो आपकी आंसर राइटिंग के स्टाइल से आपको समझेगा। यानी आप जो लिखेंगे, एग्जामिनर पढ़ेगा और वो समझेगा कि इस बच्चे को कितना आता है और ये किस तरह समझ पाता है कि हमने क्या क्वेश्चन पूछा है। जैसे देखिए, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन एग्जामिनेशन, यानी कि अपने आप को आप परीक्षा में किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, ठीक, तो उसका जो लास्ट एंड पार्ट है ना, जैसे देखते हैं हमने दो क्वेश्चंस लिए हैं, किसके, पुराने सीजीपीएससी के, यानी कि सीजीपीएससी मेंस 2021 के। ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। इसमें पूछा गया है मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। अब देखिए, इस तरह से पेपर आता है आपका, है ना, मेंस में ऐसे आपको लाइंस डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और इसमें ही आपको सारा आंसर लिखना है। क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ क्वेश्चन आंसर किसके, बायोलॉजी के। तो साइंस में अगर बायोलॉजी है तो वहाँ पे क्या बनाना है आपको, डायग्राम। अगर आपके पास स्पेस है और आपको थोड़ा भी डायग्राम का आइडिया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर एक टॉपिक से एक डायग्राम का प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि क्या हो कि जब भी एग्ज़ाम आए, जो भी टॉपिक है आप देख लीजिए मेंस का सिलेबस, मान लीजिए पाचन तंत्र है या फिर क्या है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसका एक रफ डायग्राम आपको अपने दिमाग में होना चाहिए, ताकि आप फटाफट क्या करें, 2 मिनट के अंदर डायग्राम बना लें और साथ में उसको डिस्क्राइब कर दें। तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है और आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल आंसर लिखना ही कोई बहुत बेस्ट तरीका नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे पूछता है कि कैसे दोनों में तुलना कीजिए, है ना, तुलनात्मक मूल्यांकन करिए, तो ये कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में आप कैसे करेंगे, टेबल बना लेंगे, टेबल के फॉर्म में कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा कि प्रकाश डालिए, हाईलाइट या फिर थ्रू लाइट ऑन दिस, तो क्या हो जाएगा, आपको उस पर प्रकाश डालना है। प्रकाश डालना यानी कि आप अपने दिमाग में सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजी। किसी भी क्वेश्चन को लेके सीधा डील करने से अच्छा ये है कि आप 2 मिनट का पॉज लें, पहले सोचें कि मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या लिख सकता हूँ। जैसे एग्जांपल से ही हम बात करते हैं सीधे। तो देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। कितने नंबर में दिया है क्वेश्चन, 4 नंबर में। लाइन कितनी है हमारे पास, 6 to 7 लाइन्स होती है। ठीक है, तो मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। आपने बायोलॉजी अगर पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा कि ये हमारा माउथ है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, यहाँ पर क्या होता है, स्टमक होता है, लीवर होता है, इंटेस्टाइन्स होती है ना। सबसे पहले आप क्या करना कि ये एक छोटा सा पार्ट है ना, जैसे ये आपका आंसर शीट है, इसके साइड वाले पोर्शन में 1/4 या 1/3 पोर्शन में क्या बना लेना, फटाक से एक डायग्राम। ठीक, इसे मैं बनाती हूँ, ये एक रफ डायग्राम है। ये क्या है आपका, एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पर क्या है इस तरह से आपका अमाशय, यहाँ पर क्या है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, यहाँ पर इस तरह से क्या लगा हुआ है, लीवर, और लीवर के साथ में क्या है, पित्ताशय यानी कि बाइल, है ना। अब इसके जस्ट नीचे आप क्या बना दोगे, इस तरह से डायग्राम बना दिए किसका, इंटेस्टाइन का। ठीक, ये क्या है आपका, रेक्टम, और यहाँ पर क्या है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कि स्ट्रक्चर हुआ किसका, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। अब यहाँ पर क्या है आपका, मुंह वाला भाग है, मुख, है ना। तो देखिए, फटाफट आप क्या कर देंगे, इसको डायग्राम को बनाएंगे और इसका क्या लेंगे, लेबलिंग कर देंगे। ठीक, जैसे ये है, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, माउथ, है ना, माउथ यानी मुख गुहा। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, ग्रसनी,
या फिर ईसोफेगस, ठीक है। फिर ये क्या आता है हमारा, अमाशय। अमाशय यानी स्टमक। स्टमक के बाद क्या आया, पैनक्रियाज। फिर क्या आ गया यहाँ पर, लीवर, है ना। ये क्या है, बाइल, ठीक। फिर यहाँ पर क्या आ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर ये क्या है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे एग्जामिनर देखता है आपका आंसर, सबसे पहले क्या लिखेगा उसको, ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा वो, इससे ही बहुत अच्छे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। तो आपने क्या बना दिया है, डायग्राम। डायग्राम से आपको वैसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसको एलैबोरेट करने के लिए क्या बना देंगे, इसमें पूछा क्या है, पहले कीवर्ड्स देखेंगे हम। पूछा है यहाँ पर कि पूछा है मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। क्या बोल रहा है, मुख्य अंग यानी कि मेन ऑर्गन्स। तो मेन ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र में, देखिए सबसे पहला जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है, हमारा माउथ। माउथ यानी मुख गुहा। क्यों, क्योंकि इस माउथ में बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, लार ग्रंथियां। ये क्या करती हैं, सलाइवा यानी कि लार का सिक्रीशन करती हैं। इसमें पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या करता है हमारे मुंह में ही स्टार्च को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। मान लीजिए आपने चावल खाया या आलू खाया, जैसे ही आप चबाएंगे थोड़ी देर बाद क्या लगने लगेगा आपको, मीठा यानी कि सुगर। उससे क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या हो गया, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, माउथ में। क्या होता है माउथ में, आप लिख दिए क्या होता है, डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। और क्या करता है, फॉर्म्स सुगर। सुगर में क्या बनेगा, ग्लूकोज, माल्टोज, जो भी बन रहा है, ठीक है। ये पहला काम किसका हुआ, आपके माउथ का। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक। सेकंड आप लिख दिया क्या, माउथ के बाद क्या आ रहा है, नेक्स्ट आता है आपका स्टमक, मुख्य अंग पूछ रहा है। तो हमारे पाचन तंत्र के मुख्य अंग जो है वो 4 है। पहला तो क्या है, हमारा मुख यानी कि हमारा माउथ। सेकंड है हमारा क्या, स्टमक या हमारा अमाशय। तीसरा है छोटे इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, को क्या बोलते हैं, छोटी आंत। और चौथा क्या है, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, मेन ऑर्गन है। इसके अलावा जो ये पैनक्रियाज है और ये जो लीवर है, ये दोनों क्या है आपके, हेल्पिंग। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं, ये सिर्फ जूस सिक्रीट करते हैं, यानी कि क्या है, ग्लैंड्स है, है ना। तो ये दोनों क्या हो गया आपके, हेल्पिंग। तो मेन क्या है, 4 है। तो पहले क्या लिख दिया आप, माउथ को लिख दिए। सेकेंड लिख दिए क्या, स्टमक। स्टमक यानी कि अमाशय। अब स्टमक में क्या होता है, यह प्रोटीन के पाचन का मुख्य स्थान है। तो क्या बोलेंगे, इट इज द प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। तो यहाँ पे क्या लिख दी, मैं ऐसा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको ये लाइन में लिखना है। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, रेनिन एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, दूध का भी पाचन करते हैं, ठीक है। और क्या भरा होता है यहाँ पर, HCl भरा होता है। HCl भी क्या करता है, हमारे भोज्य पदार्थ को गलाने का काम करता है, ठीक। सेकेंड लाइन हो गया। अब थर्ड में आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट हैं, ठीक। पहला क्या है, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इट इज अ मेजर साइट ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है, यहीं पर मुख्यतः पाचन होता है। क्यों, क्योंकि यहां से क्या निकल रहा है, बाइल जूस, पित्तरस, है ना। यहां से निकल रहा है पित्तरस, कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां अमाशय से भी क्या आ रहा है, HCl। अग्नाशय से क्या क्या रहे हैं, पैनक्रियास से क्या क्या रहे हैं, पैनक्रियास से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि प्रोटीन को पाचित करने वाले प्रोटीएजेस भी, वसा को के पाचन करने वाले लाइपेजेस भी, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एमाइलेजेस भी, ठीक है। तीनों कहाँ पहुँचे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये जो मेन, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, चीफ साइट ऑफ डाइजेशन, क्या है हमारा, छोटी आंत। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इट इज़ अ चीफ यानी कि मेन, चीफ साइट ऑफ
डाइजेशन। हमारे शरीर में छोटी आंत पाचन का मुख्य स्थान होती है। यहाँ पर लगभग 80-90% भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। इसके बाद आपने क्या लिखा, नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। अब बड़ी आंत क्या करती है, पचा हुआ जो भोजन है वो बड़ी आंत में आके इकट्ठा होता है और इसके बाद पचे हुए भोजन में जो वाटर है यानी कि H2O, इसके अलावा जो मिनरल्स और सॉल्ट घोले होते हैं, इसका वापस अब्जॉर्प्शन कौन कर लेता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर और सॉल्ट्स एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हो गया। फिर अब चौथे में लिख देंगे क्या, लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस सो हेल्प्स इन डाइजेशन, है ना। ये हो गया, ये आपका इतने लाइन में 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स में सारा का सारा आ गया। ठीक है, इतने ही कंपोनेंट्स आपको लिखने हैं। और आपको कैसे याद करना है, आप एग्जाम हॉल में अगर जाएंगे तो आपको एक टिप्स पे याद होना चाहिए कि अगर हम किसकी बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, मुंह से क्या निकलेगा, एमाइलेजेस क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देगा। नेक्स्ट कहाँ जाएगा वो, हमारे ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या है, प्रोटीन पाचन करने वाले एंजाइम है, प्रोटीएजेस, रेनिन, वो क्या करेंगे, वहाँ उसका पाचन कर देंगे प्रोटीन का। फिर कहाँ जाएगा ये, छोटी आंत में। छोटी आंत में और कौन जा रहा है, हमारे बाइल से बाइल जूस जा रहा है, हमारे स्टमक से जा रहा है अमाशयी रस यानी कि HCL, इसके बाद जा रहा है क्या, अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि इसको बोलते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास से निकलते हैं क्या, प्रोटीएज जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, लाइपेज जो वसा का पाचन करते हैं, और साथ में अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। फिर ये क्या हुआ, सबके सब कहाँ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर क्या हो गया, पूरा पाचन हो गया। इसके बाद जितने भी पचित भोज पदार्थ थे वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया हमारे ब्लड में, किसके द्वारा, यहाँ पर होते हैं क्या, विलाइज, है ना, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोविलाइज। माइक्रोविलाइज से क्या हो गया, अवशोषण हो गया, कहाँ चला गया, हमारे ब्लड में। अब जो बचा है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है किसका, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। इसमें से फिर से क्या, वाटर और मिनरल सॉल्ट फिर से अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और जो बचता है वो रेक्टम और एनल के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका आंसर है। अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अगर ये 4 मार्क्स का है तो आपको 3.5 या 3 मार्क्स 3, 4 भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डील करना है। अगर यही क्वेश्चन बड़े नंबर में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। आप माउथ को बहुत से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे माउथ में क्या होता है, फिर हमारे स्टमक में क्या होता है, फिर हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। इसके अलावा इसके हेल्पिंग ऑर्गन कौन कौन से, जैसे कि लीवर है, बाइल है ना, पैनक्रियाज है, ये सब क्या है इसके हेल्पिंग। इसके अलावा आप मुंह की बात भी कर सकते हैं कि माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। तो ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही लिखना है हमको, डायग्राम भी बनाना है और ऐसे पॉइंट्स में लिखना है। देखो आप पॉइंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में डायग्राम बना रहे हैं, ये आपका आंसर को बहुत ही अच्छा बना देगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये क्वेश्चन है क्या, पौधे में खनिज लवणों के परिवहन को समझाइए। तो क्वेश्चन कितने में दिया है, 8 मार्क्स में। और क्या दिया है, पौधे में खनिज लवण को के अब्जॉर्प्शन या फिर ट्रांसपोर्टेशन को समझाइए। तो हम जानते हैं कि हर किसी में क्या होता है, परिवहन होता है। ठीक, तो आपको यहाँ भी समझाना है किसको, पौधे में परिवहन को। समझाएंगे कैसे, पहला क्या क्या काम है हमारा, अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो आप क्या करेंगे, इसका 1/3 पोर्शन लेंगे और क्या बना देंगे, एक डायग्राम। ठीक है, तो जैसे मैं डायग्राम बनाती हूँ, ये एक प्लांट है, ये इसका रूट है और साथ में क्या लगी हुई, यहाँ पे इसमें लीव्स लगे हैं। मान लेते हैं क्या है ये, इसकी पत्तियाँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्या है ये, इनकी पत्तियाँ। ठीक, दिस इज़ अ ट्रंक, दिस इज लीव्स। ये एक पौधा जिसकी ये जिसका ये तना है, ये इसका जड़ है और ये इसकी लीव्स है। अब पहले देखेंगे कि हम क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि पौधों में खनिज लवणों के परिवहन को समझाइए। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने पढ़ के रखा है जाइलम फ्लोयम तो हम याद करेंगे, अरे वाह खनिज लवण आया, फटाफट क्या करेंगे, जाइलम फ्लोयम सबका डायग्राम बनाए, समझाए कि जाइलम क्या काम करता है, फ्लोयम क्या काम करता है, और फिर हमारा आंसर बिगड़ गया। क्योंकि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है खनिज लवण के परिवहन को समझाइए। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि न्यूट्रिएंट का कैसे होता है,
है ना, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पोषक पदार्थों का ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि मिनरल और सॉल्ट का कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि पौधों में मिनरल और सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन जल के थ्रू होता है ना, यानी कि विद वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं कौन, मिनरल और सॉल्ट, और कहाँ उजाले जाते हैं, ये जड़ों से लेके पौधे के ऊपरी भागों तक। अब जो पानी है, जल का अवशोषण कहाँ से होता है, हमारे जड़ों से होता है, और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जाइलम। क्या है, जाइलम। तो हमको सबसे पहले तो ये, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि पौधों में खनिज लवणों के परिवहन का माध्यम यानी कि मीडियम क्या है, जाइलम है, जाइलम। इसी को क्या बोलते हैं, जाइलम। पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन में इंट्रोडक्शन देंगे कि पौधों में खनिज और लवणों का जो परिवहन है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है, ठीक। अब दूसरा बोलेंगे कि फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट आप बोले कि जाइलम के द्वारा जो जल है, यानी कि जल में घुलनशील, किसका, जल में घुलनशील किसका, सॉल्ट और मिनरल्स यानी कि खनिज लवणों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। ये लाइन खत्म। अब आपको नेक्स्ट इतने लाइंस और मिले हुए हैं, तो आप इसमें क्या बता देंगे कि आपको बताना है क्या, क्रियाविधि। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है परिवहन को समझाइए, आपको बताना है कि परिवहन होता कैसे है। तो यहाँ पर बना देंगे हम लोग क्या, एयर और सनलाइट, ठीक है। अब ये क्या है, पौधे का ऊपरी भाग है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, ये पौधे का रूट वाला भाग है, इसको बोल दिए क्या, रूट यानी कि जड़, इसको बोल दिए क्या, स्टेम यानी तना, और इसको बोल दिए क्या, लीफ यानी पत्तियाँ, ठीक। अब जो जल है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, वो एब्जॉर्ब होगा किससे, हमारे रूट से। मैं आपको समझा रही हूँ इसका आंसर, लेकिन आपको लिखना कैसे है मैं ये समझाने के बाद बताऊँगी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इस रूट से, अच्छा रूट का हम अगर टीएस देखते हैं तो क्या होता है, इस तरह से आपके रूट हैं, ठीक, किसके अंदर, मृदा के अंदर, मृदा यानी सॉइल के अंदर। अब इस रूट्स में क्या लगे हुए हैं, इस तरह से रूट हेयर, क्या बोलते हैं इसको, रूट हेयर। रेशे होते हैं किसमें, हमारे जड़ों में, जो क्या करते हैं, इस सॉइल में जो घुला हुआ H2O है यानी जल है, इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाते हैं, हमारे शरीर के ऊपरी भाग में। तो ये कहाँ हो रहा है प्रोसेस, इन जड़ वाले पोर्शन में हो रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ, ये मान लेते हैं, ऐसे बना देती हूँ मैं, ठीक, ये जड़ से क्या आ रहा है, यहाँ पर H2O आ रहा है। यहाँ पर क्या है, सनलाइट है, और क्या चल रहा है, हवा, यानी कि यहाँ पे क्या है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो जब हमारे यहाँ यानी कि जड़ों से, मिट्टी से पानी ऊपर कैसे जाएगा, इसके लिए एक फोर्स होता है, क्या बोलते हैं इसको, कोहेजन एंड एडहेशन फोर्स, यानी कि ससंजन और आसंजन बल। ससंजन और आसंजन बल के द्वारा ही जो जल है ये पौधे के ऊपरी भाग तक पहुँचता है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो हमको बताना है इसी प्रोसेस को, पूछ क्या रहा है, परिवहन को समझाइए। तो क्या बताए, पहले हम जाइलम के बारे में बता दिए कि जाइलम क्या है, इसका काम करता है। अब जाइलम के क्या क्या भाग होते हैं, तो यहाँ लिख देंगे जाइलम के भाग, ठीक है। जाइलम के भाग क्या क्या हैं, तो जाइलम ट्रैकीट्स है, ठीक है, फिर क्या है, जाइलम वेसल्स है, जाइलम वाहिनियाँ, फिर क्या है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, जाइलम बनाते हैं, ठीक है। अब ये जाइलम क्या करेगा, इस तरह से जो वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है H2O, इसको धीरे धीरे, अब ये जो जाइलम, यहाँ पे आप एक और डायग्राम बना सकते हैं कि जो जाइलम है इसके भाग, ये जाइलम इस तरह चलनी जैसी क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, इस तरह से, ऐसे जाइलम वेसल्स, ठीक, जाइलम ट्रैकीट्स, इनके द्वारा ही ये जो पाइपलाइन है ये मेंटेन होता है इस तरह से, ठीक। इसके द्वारा जल कहाँ जाता है, पौधे के ऊपरी भाग तक। अब ये कैसे होगा, हमारी पत्तियों से क्या हो रहा है, जल, है ना, जल, जैसे ही गैस या फिर टेम्परेचर के कारण क्या हो रहा है, पत्तियों की ऊपरी सतह से पौधा वाष्प यानी कि जल
वाष्प बन के उड़ रहा है, इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्रांसपिरेशन। तो जब ट्रांसपिरेशन से कोई चीज़ ऊपर खींचेगा है ना, तो नीचे भी क्या है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, किसके मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल, यानी कि जल के जो अणु हैं आपस में जुड़े होते हैं। तो जब ऊपर से क्या लगता है, ट्रांसपिरेशन पुल, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के कारण जो प्रेशर बनता है, किस खिंचाव उत्पन्न होता है, कहाँ, पौधों के ऊपरी भाग में, तो ये क्या करता है, जड़ों से जो जल का मॉलिक्यूल है इसको ऊपर आने में हेल्प करता है, ठीक है। और एक और बात ये है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा किसका है, जल का, सॉइल में, और किस में कम है, हमारे सेल्स में। तो देखते हैं हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, अगर ज़्यादा कहाँ है, सॉइल में है, तो कहाँ चला जाएगा जल, सॉइल से हमारे जड़ों के सेल्स के अंदर। अब ये सेल्स के अंदर गया और धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, पौधे के ऊपरी भागों तक। तो यही कैसा है, परिवहन है किसका, सॉल्ट और मिनरल का, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, पौधे की निचली भागों से पौधे के ऊपरी भाग तक। इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, लिखेंगे पौधों में खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, ठीक है, ये हमने लिखा क्रियाविधि इस तरह से। फिर पहले क्या किया, बताया क्या है, पहले लिख दिया, पहले क्या, जड़ों के मूल रों द्वारा जल का अवशोषण, क्या हुआ यहाँ पर, जल का अवशोषण हो रहा है, क्रियाविधि के यहाँ पर लिख सकते हैं के निम्न चरण है, निम्न चरण है, क्या बोले, फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जड़ों के मूल रूम द्वारा जल का अवशोषण हो रहा है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन, क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन द्वारा पौधों के ऊपरी भागों या पत्तियों में ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि ट्रांसपिरेशन, खिंचाव का उत्पन्न होना, ठीक है। जैसे ये हुआ तो क्या होगा, क्या बोलेंगे, जल के अणुओं का, जल के अणुओं का क्या, आसंजन यानी कोहेजन एवं ससंजन, आसंजन को बोलते हैं एडहेशन, ससंजन को बोलते हैं कोहेजन। जब सेम मॉलिक्यूल आपस एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट करें, इसको क्या बोलते हैं, कोहेजन। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल आयंस के कारण क्या करें, आपस में बॉन्ड बना लें और दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो क्या बोलेंगे इसको, एडहेशन। तो आसंजन एवं ससंजन बल द्वारा पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचना। देखो पहले क्या लिखे हम लोग, माध्यम क्या है, जाइलम है। फिर क्या लिखे, जल में घुलनशील खनिज लवणों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम के भाग क्या क्या है, ट्रैकीड्स हैं, वेसल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा है, जाइलम पैरेनकाइमा भी होते हैं। फिर क्या करता है, पौधों में खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि किस तरह से होती है, निम्न चरण बता दिए। पहला क्या है, जड़ के मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण, तो पहला क्या हो गया, ये जल के मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण हो गया। दूसरा क्या, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों के ऊपरी भाग या पत्तियों में ट्रांसपिरेशन पुल यानी वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव, जिससे जल कहाँ पहुँचता है, पत्तियों तक पहुँचता है, ठीक है। तीसरा क्या, जल के अणुओं के मध्य आसंजन और ससंजन बल लगता है, जो भी क्या करता है, पौधों के ऊपरी भागों तक जल को पहुँचाता है। तो ये आप लिख लिए। अब इसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे, इस प्रकार सॉल्ट यानी कि लवण एवं मिनरल्स, सॉल्ट एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, देखिए क्योंकि आपका बायलैंगुअल
बाईलैंग्वली में बता रही हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन, इस प्रकार सॉल्ट मिलकर ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम ऊतकों द्वारा द्वारा होता है. इतना इनफ है आपके आंसर को लिखने के लिए. आप डायग्राम भी बना सकते हैं साथ में इससे डिस्क्राइब कर दीजिए. मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है, अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको एक एक लाइन लगेगा लिखने के लिए, और इस तरह से आपका पूरा लाइन भी कवर हो जाएगा और आपका पूरा एक आंसर क्वालिटी आंसर बन जाएगा. इसलिए सबसे पहले क्या करना है हमको, आंसर राइटिंग करने से पहले सबसे पहले देखना है क्वेश्चन को कि पूछ क्या रहा है, फिर उसमें क्या करना है की पॉइंट को कि क्या खनिज लवणों के परिवहन को, खनिज लवणों पोषक पदार्थों के नहीं, फिर क्या आ जाएगा, फ्लोएम भी आ जाएगा. तो क्या याद रखना है, सिर्फ जाइलम्स की बात कर रहा है. डायग्राम बना देंगे इसका, जाइलम का, फिर बना देंगे क्या रूट का, और ये पूरे के पूरे इस क्रियाविधि का. तो ये बहुत अच्छा आंसर हमारे पास है. तो इस तरह से हमको क्या लिखना है, आंसर लिखना है. हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ यानी कि कंपटीशन कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए. थैंक यू. अगर आप चाहते हैं अपने करियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ. आज ही हमारे वेबसाइट के करियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें. हमेशा आपके साथ टीम कोको.